जय हिंद, आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज से इस चैप्टर को चालू करेंगे। इसके पहले वाले ऑलरेडी दोनों लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने उनके एक एक क्वेश्चन किए हैं। एक एक चैप्टर में हमने 50 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं और भी ऐसे क्वेश्चन जिनकी आने की अगले साल में या 2024 में आने की संभावना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिर से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जितने भी नीट के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर भी पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि नीट 24 में आने वाले जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें। ठीक है, तो पहले हम डिटेल में पहले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे अगर हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे ही कम्प्लीट होगा फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं या फिर उसके जो इवेंट्स होते हैं उस इवेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू करेंगे, फिर उसके बारे में भी हम सेम वही काम करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फिर पोस्ट जो डेवलपमेंट होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में हम हर चीज बराबर पढ़ेंगे और क्वेश्चन लगातार करते जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो पूरे वीडियो को बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको जो भी कंसेप्ट देखने आए हैं वो आपका कंसेप्ट अधूरा ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये लेक्चर आपका डिसाइड करेगा कि आपको पूरे चैप्टर में क्या समझना है, आपके पूरे चैप्टर में क्या चलने वाला है। ये पूरा इंट्रोडक्शन होने वाला है, कहने का मतलब यह है कि इंट्रोडक्शन कम बट क्वेश्चन ओरिएंटेड ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मेन आपके डायरेक्ट पॉइंट में आ जाएंगे, क्वेश्चन हाथ में आ जाएंगे कि हाँ ऐसे वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अगर हमें चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें इसका एक बेसिक कंसेप्ट बनाना होगा। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो फेज होता है, मतलब लाइफ साइकिल होती है, वो तीन फेजेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट फेज जो होता है जिसको हम एनिमल्स के केस में जुवेनाइल फेज बोलते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव फेज और लास्ट में फिर सेनेसेरी फेज। उसमें मैंने बताया था कि जो जुवेनाइल फेज होता है बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, ठीक है, और लास्ट वाला जो सेनेसेरी फेज होता है वो भी शॉर्ट पीरियड होता है। सबसे लंबा इन दोनों में अगर होता है तो 30 से 32 साल या 35 साल या 40 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है। ठीक है, फीमेल्स में जनरली 32 साल 35 साल तक का होता है। ठीक है, तो ये जो फेज है रिप्रोडक्टिव फेज है, इस रिप्रोडक्टिव फेज को हम ऑलरेडी फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट जो होता है उस फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो हम यहाँ पे वही चीज पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने प्लांट रिप्रोडक्शन चालू कर दिया क्या, फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर। नहीं, फ्लावरिंग प्लांट वाले में भी यही चीज थी, एनिमल्स को भी हम पहले इसी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पहले पढ़ेंगे चैप्टर को डिवाइड करेंगे तीन पार्ट्स में। सेम यही चीजें एनिमल्स में भी होती हैं, तो पहले हम ये चीज करके देखें, इसको हम अलग अलग पार्ट में पहले चैप्टर को तोड़ें, फिर हमें देखें कौन सा पार्ट कब और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो पहले क्या हो, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान सुनना, जब कोई भी मेल है, ठीक है, अब वो रिप्रोडक्शन करना चाहता है या फीमेल है रिप्रोडक्शन करना चाहती है, मतलब डायरेक्ट बोलते हैं ह्यूमन बीइंग है अगर रिप्रोडक्शन करना चाहता है, तो रिप्रोडक्शन के पहले क्या होगा, कुछ अलग अलग प्रोसेसेस होंगी, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा। जैसे पहला प्रोसेस इन्वॉल्व होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के बारे में स्ट्रक्चर, टेस्टिस का स्ट्रक्चर हो गया, पेनिस का स्ट्रक्चर हो गया, वेजाइना का स्ट्रक्चर, मतलब पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया, हर चीज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ओवरी का डिटेल स्ट्रक्चर हो गया, तो इन सब चीजों के बारे में स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इवेंट्स में, अब इवेंट्स दो प्रकार के होंगे यहाँ पे, ठीक है, पहला जो होगा वो गेमिटोजेनेसिस होगा, क्या होगा, गेमिटोजेनेसिस। अब जो गैमेटोजेनेसिस है इसमें दो प्रकार की जेनेसिस होगी, मेल में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और फीमेल में क्या होगा, ओजेनेसिस होगा, है ना। दोनों में अलग अलग होता है, ऊपर वाला किसमें, ये वाला मेल में होगा और ये फीमेल में। तो फर्स्ट इवेंट कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर गैमेट्स बना है तो गैमेट का ट्रांसफर भी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ के केस में गैमेट ट्रांसफर को हम इनसेमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी होती है मेल और फीमेल के बीच में, जिसके माध्यम से जो गैमेट्स होते हैं उसको इनसेमिनेट किया जाता है। तो क्या होगा, गैमेट इनसेमिनेशन होगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ इनसेमिनेशन, इनसेमिनेशन। दो प्रोसेस हो गए,
जैसे इंसिमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अब हमारा नेक्स्ट इवेंट आएगा, है ना। ये पहला इवेंट था, अब दूसरा इवेंट आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ पे दो तरीके फर्टिलाइजेशन नहीं होता कि डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन बोले तो जैसे प्लांट के केस में क्या होता, सिंगेमी होता था, दूसरा क्या होता, ट्रिपल फ्यूजन होता था। यहाँ पे सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, उसका नाम भी होगा सिंगेमी वगैरह हम कुछ नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट जो आएगा इवेंट आएगा, वो इवेंट कौन सा होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे यहां पर भी, स्ट्रक्चर्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इवेंट्स पढ़ेंगे और साथ में यहां पर भी हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, एम्ब्रियो किस तरीके से प्लेसेंटा बनाता है, मतलब जब एम्ब्रियो होता है ना, जब यूट्रस के अंदर जाता है तो उसका इम्प्लांटेशन कैसे होता है, पूरा डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद जब वो प्लेसेंटा बन जाता है पूरे चारों तरफ से, तो उसका डेवलपमेंट, जब बोलते हैं ना कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो एक एम्ब्रियो को दिखाते हुए उस यूट्रस का डायग्राम पढ़ेंगे, वो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर हम क्या पढ़ेंगे, इवेंट्स। अब ये इवेंट्स क्या है, बोले नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगी इसमें, इवेंट्स कौन सा होगा, बोले इवेंट्स जो होगा वो होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। तो एम्ब्रियो किस तरीके से एक अपने आप को बेबी के रूप में डेवलप करता है, इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। लास्ट में फिर और प्रोसेस आती है, जैसे पार्चुरेशन आएगा। क्या आएगा? पार्चुरेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन आएगा। क्या आएगा? लैक्टेशन, है ना, ये सब चीजें। तो इस तरीके से हम चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा प्री फर्टिलाइजेशन वाला जो स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स हो जाएंगे, इसमें हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। अच्छा, इनके बीच में और भी अलग अलग जो बॉडी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन्स होंगे, उन डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स को हम स्टडी करेंगे। जैसे फीमेल बॉडी को जब हम पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर आएगा, और उसके बाद में उसके ब्रेस्ट के अंदर किस तरीके से लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन बोले मिल्क का फॉर्मेशन, वो मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस चीज को भी पढ़ेंगे। जब हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, जब इंसेमिनेशन पढ़ेंगे, इंसेमिनेशन के पहले हम स्पर्म का एक कंप्लीट डायग्राम भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक में आते हैं। तो देखिए, चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से करेंगे। देखिए कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, बोले सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ह्यूमन बीइंग अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो पैदा क्या करता है, क्या अंडे देता है या बच्चे देता है। तो ये बच्चे को देने वाला ऑर्गेनिज्म है या बच्चे को देने वाला जंतु है, ठीक है। तो बच्चे को जन्म देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बेबी पेयर्स बोलते हैं, बेबी पेयर्स हो गया। और ध्यान से सुनना, ये जो ह्यूमन बीइंग है किसी भी एज में रिप्रोडक्शन नहीं करता, इसका भी एक समय होता है जिसको हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। और रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो प्यूबर्टी एज के बाद आता है, ठीक है, 12 से 13 साल के बाद में, जनरली फीमेल में, ठीक है, 13 साल के बाद, और इस तरीके से मेल में 14 से 15 साल के बीच में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल 50 ईयर्स तक लगभग क्या कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि उस समय तक उसमें ओजेनेसिस चालू रहती है। उसके बाद फिर ओजेनेसिस क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, जिसको हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जहां से शुरुआत होती है उसको मेनार्च के नाम से जानते हैं। सब चीजों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टोटली अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि दोनों के बीच में अगर ऑर्गन्स डिफरेंट हैं तो इवेंट्स भी पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं। मेल में अलग तरीके के इवेंट्स चल रहे होंगे, प्रोसेस चल रही होंगी, वहीं पे जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी में अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स या फिर उसी के साथ में जो प्रोसेस एसोसिएटेड जो प्रोसेसेस हैं वो लगातार चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में बहुत आसानी से इनको पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। और जितने भी अगर हम अंग की बात करें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, तो जितने भी चाहे वो मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो तीन लेयर बनती हैं हमारे बॉडी में जब शुरुआती एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो उसमें बीच की जो लेयर बनती है जिसको मेजोडर्म बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे होती है, मेजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, और फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहले पॉइंट्स मैं एक बार फटाफट कंप्लीट करता हूं। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म,
एंड बीबीपेरस ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बीबीपेरस होता है, मतलब सीधे बच्चे को जन्म देता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आकर आफ्टर प्यूबर्टी, देखिए क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, बोली जो एज होती है बचपन से लेकर के जब से जन्म होता है, जन्म से लेकर के 12 से 13 साल की जो उम्र होती है जिसको हम बाल्यावस्था भी बोलते हैं, तो इस एज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, इंग्लिश में प्यूबर्टी बोलते हैं। और ये इस प्यूबर्टी की एज के बाद जिसको हम ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं या जुवेनाइल फेज के नाम से भी जानते हैं, तो जो जुवेनाइल फेज जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो जाता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बॉडी में होने लगते हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन मेल एंड फीमेल। मैंने आपको समझाया कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरे अलग होंगे, फीमेल के अलग होंगे, दोनों के बीच में अलग अलग तरीके के इवेंट्स भी होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अराइजेस फ्रॉम मेजोडर्म, कहां से ओरिजिनेटेड होता है, मेजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। क्वेश्चन यही से बनता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो किस मेम्ब्रेन से बनते हैं, ठीक है, तो कौन सी मेम्ब्रेन से बनते हैं, मेजोडर्म के नाम की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन से डेवलप करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन यहां से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अब जैसे मान लीजिए, चलो ठीक है, रिप्रोडक्शन चालू हो गया, हम पढ़ने लगे हैं, तो पूरी बॉडी में अगर ह्यूमन बींग रिप्रोडक्शन कर रहा है तो कौन कौन से इवेंट्स होंगे, पूरे इवेंट्स कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले जो होगा गैमेटोजेनेसिस होगा, जिससे गैमेटोजेनेसिस बन गया, मेल बॉडी मेल गैमेट्स बन गया, फीमेल बॉडी फीमेल गैमेट्स बन गया। अब इन दोनों गैमेट्स को मिलना है, तो मिलने की जो प्रोसेस होती है जिसको हम सेक्सुअल एक्टिविटी बोलते हैं, जिसके दौरान क्या होता है, इनका ट्रांसमिशन होता है, जो मेल गैमेट होता है, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, स्पर्म मूव कर सकता है क्योंकि उसके पास टेल होती है, तो स्पर्म को इंसेमिनेट किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है, नेक्स्ट इवेंट जो होता है, वो होता है इंसेमिनेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म में जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, राइट, बोलते सेक्स होता है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन बोलेंगे। तो इंसेमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो सीमेन होता है, जो स्पर्म होता है, उसको फीमेल बॉडी के अंदर या उसकी वजाइना में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है या इंसेमिनेट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। अगर इंसेमिनेशन हो गया है तो अब उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। फर्टिलाइजेशन जैसे हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा। जैसे जाइगोट बनेगा, जाइगोट मूव करते धीरे धीरे मूव करते हुए कहां पे पहुंचेगा, यूट्रस के पास पहुंचेगा। जैसे यूट्रस के पास पहुंचा तो यूट्रस के पास क्या हो जाएगा, वो इम्प्लांट कर जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है। जैसे एक ब्लास्टोसिस्ट के रूप में इम्प्लांट कर जाता है यूट्रस के किसी भी कोने पे या किसी भी वाल में, अंदर वाली किसी वाल में, मतलब किसी भी जगह पे जो एंडोमेट्रियम वाल होती है, एंडोमेट्रियम वाल में, ठीक है। तो जैसे उसमें इम्प्लांट कर जाएगा, इम्प्लांट करने के बाद अब उसका क्या चालू हो जाएगा, जेस्टेशन बोले, तो अब वो क्या हो जाएगा, पूरा एग्जिस्ट की तरह उसमें यूट्रस के अंदर पलेगा, अपने आप को बढ़ेगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन बोलते हैं। जेस्टेशन जैसे कंप्लीट होता, 9 मंथ तक में जेस्टेशन कंप्लीट होता, पूरे 9 मंथ का होता है, तो जैसे कंप्लीट होगा वैसे बेबी क्या होगा, डिलीवर करेगा, ठीक है। बेबी की डिलीवरी होगी, उस डिलीवरी वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन बोलते हैं। तो पार्चुरेशन जैसे कंप्लीट होता, अब उसको क्या चाहिए, दूध चाहिए, तो दूध बनेगा तब ना दूध चाहिए, तो दूध की जो बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। और लैक्टेशन के बाद फिर लास्ट में अगर दूध बन भी गया है तो बच्चा कैसे मिलेगा, बच्चों कैसे मिलेगा, तो उसको हम ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। कोई भी फीमेल होती है वो क्या करती है, अपने बच्चे को दूध ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से करवाती है। तो इस तरीके से इतनी सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी उसको हम आगे पढ़ लेंगे। तो ये इतने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, ये इनको सीक्वेंस में आप इनको बिल्कुल से सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है और यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कई बार पूछ लेता है, ध्यान से कई बार क्या होता है, पूछ लेता है कि इसमें इसको सीक्वेंस में अरेंज करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा या तो फिर ऐसा दे देगा कि इसमें कौन सा सीक्वेंस अरेंज सही है, ठीक है, अरेंजमेंट सही है। तो आप इस तरीके से इनको बहुत अच्छे तरीके से नंबर वाइज याद करिएगा। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो जो फीमेल बॉडी में या मेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इस आधार पे कैटेगरी पे डिवाइड किया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, कि उसमें जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं या नहीं रिलीज होते। अगर कोई ऑर्गन है जो हार्मोन्स रिलीज करने का भी काम करता है तो उसको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलेंगे, और उसके अलावा जितने भी अदर ऑर्गन्स हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं या फिर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। तो मेल बॉडी में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम टेस्टिस बोलते हैं, क्योंकि टेस्टिस का काम ही है हार्मोन्स का सेक्रेशन करना, ठीक है। अब कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, तो बोले एंड्रोजन सेक्रेट करता है। एंड्रोजन्स क्या होता है, बोले एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है, याद रखिएगा एंड्रोजन कोई एक हार्मोन नहीं है, एंड्रोजन्स क्या है, एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है जिसमें सबसे मुख्य जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरॉन होता है। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ये दोनों जो किसके द्वारा निकलते हैं, तो एक मेल वाला जो होता है
वो टेस्टिस द्वारा निकलता है और जो फीमेल वाला हार्मोन है वो ओवरी के द्वारा निकलता है। तो इधर टेस्टिस और इधर ओवरी, ये दोनों क्या हो गए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। इसके अलावा छोड़ के बाकी सभी ऑर्गन्स कैसे होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, अभी इनका देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का दो काम होते हैं, एक तो हार्मोन्स का सेक्रेशन करना, दूसरा गैमेटोजेनेसिस भी यही करते हैं। मुख्य काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन का। जब तक गैमेट बनेगा नहीं तब तक गैमेट बनेगा नहीं तब तक कोई प्रोसेस हो नहीं सकता, आगे की पूरी प्रोसेस रुक जाएंगे रिप्रोडक्शन की। तो गैमेटोजेनेसिस का भी काम करते हैं। ठीक है, तो इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, दो काम करता है। ठीक है, क्या करता है, गैमेटोजेनेसिस करता है और सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं, सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, दोनों को बता दिया। जैसे मेल में क्या होता है, मेल का सेक्स हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल का सेक्स हार्मोन क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है। समझ में आ गई बात, दोनों हार्मोन होते हैं, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्राइमरी सेक्स, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, मेल में कौन सा होता है, टेस्टिस होता है, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। समझ में आ गई बातें, और अब हम चलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम नहीं करते हैं बट उसके काम को प्रमोट करते हैं या उसके काम पे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, गैमेट बनाना। गैमेट किस लिए बनाना है, ताकि रिप्रोडक्शन करवाया जा सके। अब रिप्रोडक्शन करवाने के लिए कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो मदद करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम which does not perform the functions of primary sex organ but help to them, उनको क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, जैसे मैन में क्या हो गया, इपिडर्मिस हो गया। अब ये पार्ट ऐसा है, ध्यान से सुनना, जैसे टेस्टिस है ना, तो टेस्टिस के बाहर की तरफ के अंग हैं, टेस्टिस के अंदर कितने डक्ट हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टेस्टिस के अंदर भी बहुत सारे डक्ट हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बाहर वाले से पता चलता है। तो बाहर कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है, और इसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जो असेंड करके जाती है ऐसे, उसको हम क्या बोलते हैं, वाच डिफरेंस बोलते हैं। तो मेल में सिर्फ दो ऐसे, मतलब है तो डक्ट दोनों, पर ये किस नाम से जानते हैं हम, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानेंगे। कौन कौन सा, एक एपिडर्मिस हो गया और दूसरा हो गया वास डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है वुमेन में, हम बात करेंगे। तो वुमेन में ओवरी को छोड़कर के बाकी दो पार्ट बचते हैं, एक ओविडक्ट बचता है, एक यूट्रस बचता है। ठीक है, अब वेजाइना को मत बोलिएगा, क्योंकि वेजाइना क्या है, प्रकार की बर्थ कैनाल है। ठीक है, वो अलग चीज है, या फिर ये बोल सकते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जिसके बीच में क्या होता है, कॉपुलेशन होता है। तो अब यहाँ पे फीमेल में क्या होता है, ओविडक्ट होती है, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम नाम से जानते हैं, और यूट्रस होता है जिसको हम वॉर्म या फिर गर्भ के नाम से जानते हैं, गर्भाशय के नाम से जानते हैं फीमेल हिंदी में। ठीक है, तो ये दोनों आप इनको अच्छे तरीके से याद करिएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में और फीमेल में। अब आता एसेसरी डक्ट्स आती है, एसेसरी डक्ट्स मेल में की अगर बात करें तो उसमें एसेसरी डक्ट्स चार प्रकार की डक्ट्स होती है, चार डक्ट्स होती है। वहीं पर अगर हम फीमेल में बात करें तो इनमें सिर्फ तीन डक्ट्स होती है, कितनी डक्ट्स होती है, तीन डक्ट्स होती है। पहले हम मेल की बात करते हैं। देखिए, तो मेल में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर की तरफ क्या होती है, रेटेड टेस्टिस होती है। क्या होती है, रेटेड टेस्टिस होती है। रेटेड टेस्टिस बहुत सारा जाल बनाती है, पूरा क्या बनाती है, एक जाल बनाती है। उस जाल में से दो चार कोशिश, मतलब 10 से 15 इस तरीके से अलग अलग डक्ट निकलती है, और उन डक्ट को हम क्या बोलते हैं, वासा इफरेंसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वासा इफरेंसिया। ये वासा इफरेंसिया टेस्टिस को छोड़ के बाहर की तरफ आती है, कहां पे आती है, टेस्टिस को छोड़ के बाहर की तरफ आती है, और किसमें ओपन हो जाती है, एक बड़ी सी डक्ट में ओपन हो जाती है, जिसका नाम होता है एपिडर्मिस, है ना, लगभग 6 मीटर की होती है, बहुत लंबी होती है एपिडर्मिस, बट इसी के ऊपर क्या होती है, ऐसे ऐसे कॉइल करके रखी होती है, चिपचाप से चिपकी होती है एपिडर्मिस। और लास्ट में फिर आता है वास डिफरेंस, ये वाला जो पार्ट गया ना, वास डिफरेंस, इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से चार एसेसरी डक्ट होती हैं। फिर से रिपीट करता हूं, सबसे अंदर की तरफ क्या होगी, रेटेड टेस्टिस होगी, और रेटेड टेस्टिस फिर किस में ओपन होगी, तो बोले वासा इफरेंसिया में ओपन होगी। वासा इफरेंसिया टेस्टिस से बाहर की तरफ निकलेगी और वहां से एक डक्ट में ओपन होगी, उस डक्ट का नाम क्या होता है, एपिडर्मिस। और जो एपिडर्मिस होती है वो आगे चल के, जैसे टेस्टिस से ऊपर जिधर से खुली है उधर से आएगी, और नीचे की तरफ से क्या होती है, वो ओपन होकर के फिर ऊपर की तरफ एक नई डक्ट में ओपन हो जाती है, जिसका नाम होता है वास डिफरेंस। तो यहाँ पे एक नई डक्ट में ओपन हो जाएगी, यहाँ से दूसरी डक्ट चालू हो जाती है, जिसका नाम है वास डिफरेंस। हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में ओवरी होती है, जैसे ये ओवरी है,
ओरी के पास से इस तरीके से एक डक्ट चालू होती है जिसका नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जाएगी और आगे चल के इस तरीके से यूट्रस में क्या होगी? ओपन होगी और यूट्रस से आगे की तरफ फिर से एक डक्ट बनती है जिसको वेजाइना बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब हो गई, यूट्रस हो गया और क्या हो गया? वेजाइना हो गया। ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? एक डक्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप यहां से कोई चीज डालेंगे तो धीरे धीरे वो यहां पे आ जाएगी, या इधर से डालेंगे तो धीरे धीरे यहां से यहां तक जा सकती है, क्योंकि एक पूरा नली जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए यहां पे क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब जो होती है ये एक पेयर होती है, यूट्रस सिंगल होता है, वेजाइना भी सिंगल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है? ये एक रिप्रोडक्टिव डक्ट्स बनाती है, या फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव की डक्ट रिप्रोडक्शन करवाने के लिए जो डक्ट्स एसेसरी डक्ट्स होती हैं उन एसेसरी डक्ट्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और आगे बात करते हैं, हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ ओवरऑल देख रहे हैं, क्योंकि हम इनको दोनों को अभी तो देखो मेल का भी हम साथ में पढ़ रहे हैं और फीमेल का भी साथ में पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोला कि इसे ये बहुत बेसिक लेक्चर होने वाला है, और आगे वाला जब हम लेक्चर पढ़ेंगे ना तो उसमें हम क्या करेंगे? दोनों को सेपरेट पढ़ेंगे, मेल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अब मैंने रेटेड टेस्टिस बोला, तो रेटेड टेस्टिस को मैंने क्या किया? सिर्फ नाम लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा समझा करके आगे बढ़ेंगे। जब इसको डिटेल में करेंगे तो वहां पे और इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे वास डिफरेंस होता है, वास डिफरेंस कैसे जाता है, कहां जाता है, कितना बड़ा होता है और किससे किससे मिलता है, इन सब चीजों के बारे में वहां डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या करते हैं? कंपेरेटिवली स्टडी करते हुए ये समझ रहे हैं कि आखिरकार मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है और दोनों के बीच में समानताएं क्या होती हैं, सिमिलरिटीज क्या होती हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं। तो पूरे चैप्टर को समझने से पहले ये चीज समझना थोड़ा सा हमें जरूरी है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। अब देखो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी दो प्रकार की होती हैं। मैंने पहले बताया कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जो हार्मोन्स को सिक्रेट कर रही है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेक्स हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी ग्लैंड्स पाई जाती है बॉडी में वो सब कैसी होती है? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है। तो हम अगर मेल की बात करें तो मेल में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है वो टेस्टिस होती है। कौन सी होती है? टेस्टिस होती है। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स तो वहां पे क्या होती है? ओवरी होती है। ठीक है, तो दोनों चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। जब हम एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में जाते हैं तो इनको हम ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो एसोसिएटेड होती है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्राइमरी ग्लैंड्स को छोड़ करके बाकी और जो ग्लैंड्स जो जुड़ी होती हैं उन सभी ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, जो सेक्स ऑर्गन के साथ जुड़ी होती है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी होती है। अब हम पहले बात करते हैं मेल में, तो मेल में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? बोले तीन ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले जो आती है सेमिनल वेसिकल, दो ग्लैंड्स होती है मतलब पेयर में होती है। फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होती है, ठीक है, और लास्ट में फिर आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर उसी को हम एक और नाम से जानते हैं काउपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काउपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये ग्लैंड्स ये भी कैसी होती है? पेयर में होती है। तो इस तरीके से तीन ग्लैंड्स बनाती है किसमें? मेल में। वहीं पर अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में सिर्फ दो ग्लैंड्स होती है, एक बार्थोनिस ग्लैंड होती है और दूसरी होती है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो जो बार्थोनिस ग्लैंड होती है बार्थोनिस ग्लैंड्स के एक और नाम से जानते हैं बल्बो विस्टिबुलर के नाम से, जैसे इसको हमने क्या बोला? बल्बो यूरेथ्रल बोला, इसी तरीके से इसका नाम क्या होता है? बल्बो विस्टिबुलर के नाम से होता है। और ये भी कितनी होती? दो होती है। संख्या में कितनी होती है? दो होती है। वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वेजाइना की ओपनिंग के राइट एंड लेफ्ट साइड की तरफ क्या होती है? नॉट जैसे छोटी सी होती, पता नहीं चलने वाली है ना, क्योंकि बाहर से जैसे होती है बाहर से कोई गठान बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती है, स्किन के अंदर होती है। तो बल्बो सॉरी बार्थोनिस ग्लैंड या फिर उसको हम बोलते हैं बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, दो होती है, ठीक है, या पेयर में होती है। लास्ट में वहीं पे आता है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, या इसी को हम बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ स्किन बोलते हैं या स्किन्स ग्लैंड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? जहां पे यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है फीमेल बॉडी में जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है उसके चारों तरफ, जैसे सपोज इस तरीके से यूरेथ्रा की ओपनिंग है तो इसके चारों तरफ यहाँ पे ढेर सारी ऐसे ऐसे ग्लैंड्स होंगी, ठीक है, और ये न्यूबनस होती है, इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं है, है ना, दो चार भी हो सकती है, दस भी हो सकती है, पंद्रह भी हो सकती है, तो इस तरीके से कोई संख्या फिक्स नहीं होती। न्यूमरस ग्लैंड्स होती है किसके तरफ? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो यूरेथ्रा है जहां से यूरिन बाहर पास आउट होता है उसके चारों तरफ मौजूद होती है कौन सी ग्लैंड? पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड्स या फिर ग्लैंड्स ऑफ स्किन के नाम से हम जानते हैं इनको, ठीक है। तो इस तरीके से मेल और फीमेल में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उनका नाम इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आप इनको तैयार करिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा। और इसके पीछे वाले में ये जो मैंने बताया था ये कौन किसके से अटैच करता है, जैसे रेटेड टेस्टिस किससे अटैच करता है? एपिडर्मिस से, वास डिफरेंस से, वसा डिफरेंस से, ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो या फिर इन दोनों को मिला करके कौन किसका है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कौन सा पार्ट है, तो इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। कंफ्यूज हो सकते हो आप इनके बीच में, ध्यान से सुनना। अगर आपसे बोले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है और इनके साथ में दोनों के साथ एपिडर्मिस वास डिफरेंस के साथ में इन तीनों को चारों को जोड़ दिया, मतलब चारों ऑप्शन दे दिया, तो इसमें देखो आपको क्या शामिल है? जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस भी शामिल है और क्या है? एपिडर्मिस भी शामिल है, साथ में दो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं,
कंफ्यूज हो जाओगे तो ऐसा इस क्या करना, पहले से आप अच्छे से लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए और कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस होता है, वहीं पे अगर हम फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो वो वुल्वा होता है, ठीक है। उसको हम वुल्वा को क्या बोलते हैं, वुल्वा में क्या चीजें शामिल होती है, चार चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। मेल का पेनिस, तो पेनिस के बारे में तो ज्यादा डिस्कस करना नहीं है, इसको हम कॉपुलेटिव ऑर्गन भी बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो होता है। अब हम बात करते हैं फीमेल में, तो फीमेल में क्या होता है, चार प्रकार की चीज शामिल होती है। वुल्वा क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई सारी छोटी छोटी चीजें शामिल होती है, कंपोनेंट शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आएगा इसमें मॉन्स प्यूबिस, सॉरी लेबिया मेजोरा, नेक्स्ट है लेबिया मिनोरा, फिर उसके बाद क्लैटोरिस, क्लैटोरिस और लास्ट में फिर हाइमेन, हाइमेन, ठीक है। तो इस प्रकार से चार चीजें मिलकर क्या बनाती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाती है फीमेल में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वुल्वा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप इनको भी अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, याद करिएगा। और आगे बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। अब देखो जो सेकेंडरी सेक्स सॉरी और आगे बात करते हैं हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे पहचाने के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखिए जब भी कोई पर्सन प्यूबर्टी एज से अब रिप्रोडक्टिव एज में जाता है, प्यूबर्टी एज मतलब बाल्यावस्था है ना, जिसमें वो बच्चा रहता है, जिसमें जुवेनाइल फेज जो होता है, जुवेनाइल फेज से अब रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट करता है, तो जब जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है तो उसकी बॉडी में रिमार्केबल कुछ चेंजेस आते हैं, रिमार्केबल जिसको आसानी से पहचाना जा सके। अब वो चेंजेस कौन कौन से होते हैं, उन सब चेंजेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, याद होगा, ठीक है। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉपर्स हैं, तो फिर तो आपको हर चीज रटी हुई है। देखिए हाइट क्या होता है, हाइट में भी परिवर्तन आता है लगातार, यहाँ पे क्या होती है, जब भी कोई रिप्रोडक्टिव एज में आता है तो उसकी हाइट लगभग लगभग बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, ठीक है। उसकी हाइट और विड्थ सब चीज बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है। उसके बॉडी में मस्कुलेचर बोले तो उसके बॉडी में अब मसल्स का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। आइट साइड सब दूर कट से दिखने लगेंगे थोड़ा सा, एज कम्पेयर टू फीमेल बॉडी, मेल बॉडी में मस्कुलेचर ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा दिखाई देता है, फीमेल बॉडी में मस्कुलेचर थोड़ा सा कम डेवलप होता है, कम दिखाई देता है। वॉइस की अगर बात करें तो वॉइस में भी चेंज आ जाता है, जैसे ही इस एज में आते हैं तो मेल की आवाज थोड़ा सा और डीपर होने लगती है, थोड़ा सा भारी होने लगती है, जबकि वहीं पे जो फीमेल की आवाज होती है वो और ज्यादा शार्पर होने लगती है, शार्प होने लगती है, थोड़ी पतली तीखी आवाज होने लगती है। तो ये आसानी से दोनों की आवाज को भी पहचाना जा सकता है, दोनों को आवाज को सुन करके पहचाना जा सकता है कि ये मेल की आवाज है या फीमेल की आवाज है, ठीक है। बॉडी हेयर्स की बात करें तो अलग अलग, चाहे वो मतलब फेसियल हेयर्स हो या फिर एक्जिलरी हेयर्स जो बाहों के नीचे बाल आने वाले हैं, चेस्ट के हेयर्स हो या फिर प्यूबिक हेयर्स हो, तो हेयर्स में भी क्या होती है, ग्रोथ होने चालू हो जाती है जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज में आता है कोई भी पर्सन, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। क्योंकि ये कैसे बताते हैं, ये कैसे क्यों होता है, ताकि ये बताया जा सके कि हाँ कोई भी पर्सन अब सेक्सुअली मतलब कैरेक्टर रूप आ चुका है या फिर वो सेक्सुअली क्या हो चुका है, मेच्योर होने लगा है धीरे धीरे पर्सन, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स, अगर फीमेल बॉडी है तो फीमेल बॉडी में क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। शोल्डर्स की अगर बात करें तो शोल्डर्स मेल और फीमेल में दोनों में ही शोल्डर थोड़ा सा ब्रॉड होते हैं, क्योंकि फीमेल बॉडी में आगे चलकर ब्रेस्ट को सपोर्ट करना रहता है, इसलिए उनमें भी चौड़ा होना आम बात है। और मेल बॉडी में एज कम्पेयर टू फीमेल बॉडी जो चेस्ट होता है, चेस्ट का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। लास्ट में आता है पेल्विस या फिर हिप बोन बोलते हैं, तो हिप बोन जो होती है मेल की लेस डेवलप्ड होती है और फीमेल की क्योंकि आगे चलकर उसको प्रेगनेंसी सपोर्ट करनी है, उसको डिलीवरी करनी है बेबी की, तो इसलिए उसमें क्या होता है, एक प्रकार का ये नेचर ही है, ठीक है, ये जेनेटिकली है कि फीमेल बॉडी में क्या होता है, जो हिप बोन होती है वो काफी ज्यादा डेवलप हो जाती है, काफी ज्यादा चौड़ी हो जाती है, ठीक है। कमर अभी भी पतली रहेगी, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो, बट हिप बोन मेल की पतली रहती है और हिप बोन फीमेल की क्या हो जाती है, जिसको हम पेल्विस बोन बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार के जो रिमार्केबल ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, इनको आसानी से किसी भी मेल या फिर फीमेल में आसानी से देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, और इसके आधार पे उसकी एज या फिर बताया जा सकता है कि वो किस फेज में है। एज का तो ठीक है ज्यादा पता नहीं चलेगा, बट वो किस फेज में है ये बता सकते हैं, वो रिप्रोडक्टिव फेज में है या फिर वो जुबिनाइल फेज में है, इस फेज को हम आसानी से यहाँ के इसके माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रिमार्केबल कैरेक्टर्स होते हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार से दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा, बेसिक कंसेप्ट था, इंट्रोडक्शन का पूरा लेक्चर था। कल से हम चालू करेंगे एक नया लेक्चर,
ठीक है, उस नए लेक्चर्स में हम चालू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको हर चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन सब आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएं। ओके, थैंक यू।